नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो वर्ल्ड में। मैं हूं विशाल और मैं आप सभी से बात करने वाला सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 के बारे में। दोस्तों अभी अभी सैमसंग का लॉन्च इवेंट खत्म हुआ और सैमसंग ने अपना M10 और M20 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें, हम शुरुआत करें M20 से, तो M20 का जो डिस्प्ले है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा एक 6.3 इंच का डिस्प्ले है जिसमें इन्फिनिटी वी नॉच आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों वहीं पे अगर हम बात करें M20 की बैटरी की, तो बैटरी में आपको मिल जाएगा 5000 मिली एम्पावर की बैटरी जो कि सी टाइप चार्जिंग दी गई है उसमें, और 15 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इसमें मिलता है। और दोस्तों वहीं पे जो इसमें आपको मिलता है जो फास्ट चार्जिंग है वो 3 टाइम्स फास्ट चार्जिंग बताई जा रही है सैमसंग की तरफ से। अगर आप इसको 10 मिनट से चार्जिंग करते हो तो 10 मिनट से चार्जिंग में आपको मिल जाएगा 3 आवर्स का बैटरी परफॉर्मेंस जिसमें आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं या 11 आवर्स तक की म्यूजिक परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। और दोस्तों वहीं पर बात करते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर की सैमसंग में M20 में, जो कैमरा है। कैमरा दोस्तों डुअल सेटअप कैमरा दिया गया है, 13 मेगापिक्सल f1.9 अपर्चर है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का f2.2 का वाइड एंगल कैमरा है जिसमें 120 डिग्री का वाइड एंगल शॉट्स आप ले सकते हैं। और दोस्तों मैं बात करूं अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है जिसमें इन डिस्प्ले हमको फ्लैश मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें प्रोसेसर की, जो M20 में हमको मिलता है वो है जाइनोस का 7904 ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि कंपेरेबल है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर जो कि हमको रेडमी नोट 7 में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये जो प्रोसेसर है बना हुआ है 14 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे और 1.8 GHz की इसकी परफॉर्मेंस है। और दोस्तों ये जो टोटल मोबाइल है ये 2 वेरियंट्स में लॉन्च होने वाला है इंडिया में, 3GB 32GB और 4GB 64GB। दोनों वेरियंट्स दोस्तों एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ ना, जिसको आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और दोस्तों UI की बात करें, सैमसंग ने इसमें एक नया सैमसंग का UI लॉन्च किया जिसका नाम दिया है सैमसंग एक्सपीरियंस 9.1 UI। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होने के बाद में ही हम कह सकते हैं कि ये UI कैसा है, लेकिन कहने सैमसंग के हिसाब से ये काफ़ी सीमलेस और काफ़ी सिंपल UI होने वाला जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा यूज़र्स को। और दोस्तों सिक्योरिटी की बात करें तो फेस अनलॉक फीचर दिया गया, साथ ही में आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक भी दिया गया इस मोबाइल में। और ये टोटल मोबाइल जो है 2 कलर्स में आने वाला है, ओशन ब्लू कलर में और चारकोल ब्लैक कलर में आने वाला। और दोस्तों जो सबसे खास बात है M20 मोबाइल की वो ये है कि इसमें वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन दिया गया जिसको यूज़ करके आप HDR कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे कोई भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग साइट्स पर जैसे कि Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह पे। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं M10 के बारे में। तो M10 में दोस्तों आपको 6.22 इंच का इन्फिनिटी वी नॉच डिस्प्ले मिलता है, जैसा सेम है वो, बस इसका जो डिस्प्ले का साइज है वो थोड़ा छोटा कर दिया गया, 6.22 इंच का डिस्प्ले है। कैमरा भी दोस्तों सेम रखा गया, 13 मेगापिक्सल f1.9 अपर्चर का, साथ ही में जो सेकेंडरी कैमरा 5 मेगापिक्सल 2.2 अपर्चर का दिया गया है जिसमें आप जिसको यूज़ करके आप वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हैं। और दोस्तों फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि इन डिस्प्ले फ्लैश के साथ में आता है जो कि बहुत अच्छा आपको मतलब परफॉर्मेंस देगा सेल्फीज़ के लिए। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इसमें वापस से जाइनोस 7870 दिया गया है जो कि 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि काफ़ी अच्छा है अपने मतलब रेंज में, बजट रेंज में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर दिया सैमसंग ने। ये मोबाइल भी दोस्तों 2 वेरियंट्स में आने वाला, 2GB 16GB 3GB 32GB में। दोनों वेरियंट्स जो रहेंगे दोस्तों वो अप टू 512GB तक के एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ में आएंगे जिसमें आपको फेस अनलॉक मिल जाएगा और सैमसंग का वही सेम एक्सपीरियंस 9.5 UI आपको मिलता है। और दोस्तों ये मोबाइल भी जो है वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन साथ में आता है जिसमें आप HDR कंटेंट Amazon प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे आप एक्सेस कर सकेंगे। और दोस्तों बैटरी की बात करूँ इस मोबाइल में, तो बैटरी आपको जो मिलती है वो 3400 mAh की बैटरी है जो कि थोड़ी कम है, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और इसमें मतलब सैमसंग कहना है कि इसका भी जो इन्होंने परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा इसको डेवलप किया जिसकी वजह से आपको मतलब एक अच्छा बैटरी लाइफ में देखने को मिलेगी। ये मोबाइल भी जो है दोस्तों वो 2 वेरिएंट्स में आने वाला, 2 कलर वेरिएंट्स में मिलेगा आपको, ओशन ब्लू और चारकोल ब्लैक में। और दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें दोनों मोबाइल के प्राइस रेंज की, तो दोस्तों M20 जो है M20 आपको मिल जाएगा 10,990 का जिसमें आपको 3GB और 32GB वेरिएंट मिलेगा। और वहीं पे अगर आप 4GB और 64GB वेरिएंट लेते हैं तो 12,990 में आपको ये मिल जाता है। और दोस्तों वहीं बात करें M10 की, तो M10 आपको जो स्टार्टिंग रेंज है वो 7,990 का है जिसमें आपको 2GB और 16GB का वेरिएंट मिल जाएगा। और अगर आप जाना चाहते हैं 3GB 32GB वेरिएंट के साथ में तो आपको 8,990 में वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों ही मोबाइल बहुत ही कमाल के सैमसंग लॉन्च की इस बजट में, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना स्पेसिफिकेशन साथ में और खास करके M20 को 5000 mAh की बैटरी के साथ में लॉन्च किया जाए, और जो कि बहुत ही टफ कंपटीशन देने वाला है Xiaomi, Oppo और Vivo को, अदर ब्रांड्स को बहुत ही टफ कंपटीशन मिलने वाला है इन दोनों ही मोबाइल की वजह से। सैमसंग इन दोनों मोबाइल बहुत ही कमाल के प्राइस रेंज में और एक्सपेक्टेड रेंज से बाहर आके सैमसंग ने पहली बार कुछ लॉन्च किया है इंडिया में। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी क्या
क्या रिस्पॉन्स मिलता है और कैसा रहेगा ये दोनों मोबाइल, आपके क्या रिव्यूज़ हैं इस मोबाइल के बारे में हमको ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि हम और भी ऐसे वीडियोज़ आप तक लेके आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।